दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में पिछले 8-9 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था और उनमें से सिर्फ 7.25 लाख लोगों का ही सिलेक्शन हो पाया था। यानी कि भारत में अगर 300 लोग एक एग्जाम में अपीयर होते हैं तो उनमें से सिर्फ एक ही स्टूडेंट सिलेक्शन में कामयाब हो सकता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप अपने आसपास ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो ग्राफिक डिजाइनर हैं, वीडियो एडिटर हैं, यूट्यूबर हैं, कंटेंट राइटर हैं, या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं या सीख रहे हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर या फिर किसी सरकारी नौकरी की सूची में नहीं आता है। एक स्वतंत्र और गणतांत्रिक देश पर वहां पर क्यों किसी व्यक्ति को 3-4 करियर ऑप्शन के तरह कुछ और सोचने, समझने और सीखने नहीं दिया जाता है? स्विट्जरलैंड की आबादी से ज्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस करने वाला देश क्यों इन्वेंशन के मामले में, रोजगार के मामले में सबसे पीछे है? और इस बात का क्या कारण है कि स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स आज भारत में किसी न किसी तरह से कोई न कोई मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं? आपको यह जानकारी भी होनी चाहिए कि भारत में हमेशा से ही ऐसा नहीं था। तो फिर क्या वजह है कि भारत में अपने बेटे को पढ़ाना, माँ बाप के लिए पढ़ना और पढ़कर कुछ करने के लायक बन जाना बच्चे के लिए आज सबसे मुश्किल काम बन गया है? आज के इस वीडियो में हम इसी बात को समझने का प्रयास करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने आसपास लोगों से भी शेयर करना मत भूलिएगा। गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था का इतिहास भारत में बहुत पुराने समय में शुरू हो गया था, जिसमें स्टूडेंट्स को अपने घर से दूर गुरु के साथ आश्रम में सभी तरह के बच्चों के साथ बैठकर हर विषय को सीखने समझने का मौका मिलता था। पूरी शिक्षा व्यवस्था पर शिक्षक की निगरानी रहती थी और किसी तरह के पैसों की मांग पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं करते थे। बच्चों के चरित्र, विचार, कार्य क्षमता पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता था और हर बच्चे की पसंद का ख्याल रखा जाता था। स्टूडेंट्स यहाँ पर सैन्य शिक्षा, हथियारों का इस्तेमाल, राजनीति की समझ, पांडित्य की जानकारी, विज्ञान, इतिहास, कला से लेकर इंजीनियरिंग हर विषय का अध्ययन करते थे और इनमें से कुछ आर्यभट्ट की तरह गणितज्ञ बनकर निकलते थे, कुछ चाणक्य की तरह राजनीतिज्ञ और किंगमेकर, कुछ अर्जुन की तरह आर्चर बन जाते थे तो कुछ भीम की तरह गदा युद्ध में पारंगत बन जाते थे। और इनके अलावा श्री कृष्ण और भीष्म की तरह कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो सभी विषयों की जानकारी हासिल कर लेते थे। जंगलों में प्रकृति के बीच में बैठकर गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था के जरिए भारत एक समय में दुनिया भर में सभी क्षेत्रों में बाकी देशों से हजारों कदम आगे था। मगर फिर बख्तियार खिलजी ने भारत पर आक्रमण किया और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर खाक कर दिया, जिसके पुस्तकालय में 50 लाख से भी ज्यादा किताबें रखी हुई थी। इसके बाद मुगल सम्राट औरंगजेब ने भारत में मंदिरों और स्कूलों को खत्म करवाना शुरू किया, क्योंकि उसे एक नई शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना था। औरंगजेब के बाद जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगाज हुआ तो अंग्रेजों को अलग अलग कामों में सहायता के लिए भारतीय लोगों की जरूरत थी और साथ ही उनको भारतीय लोगों के मन में अपने इतिहास, संस्कृति, शिक्षा और तकनीकी व्यवस्था के बारे में हीन भावना डालना भी जरूरी थी, जिससे अंग्रेजी हुकूमत को भारत में पैर पसारने में किसी तरह की मुसीबत का सामना न करना पड़े। भारत में जब अंग्रेजों ने इसके लिए सर्वेक्षण करवाया तो उन्हें मालूम हुआ कि भारतीय लोगों को अपने ज्ञान, अपनी संस्कृति और सभ्यता पर बहुत विश्वास है। दूसरी बात यह है कि भारत में 99% लोग शिक्षित हैं और सभी को अपनी भाषा पर गर्व है। अंग्रेजों के लिए इस सिचुएशन में भारतीय लोगों को अपनी तरफ खींचना मुश्किल था, इसलिए अंग्रेजी हुकूमत ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने के लिए कई तरह के नियम, कानून बना दिए। कहा जाता है कि भारत में उस समय 200 लोगों के एक गांव में भी विद्यालय मौजूद होता था। यहां मैकाले का आगमन होता है, जिसने साल 1835 में एक नए इंडियन एजुकेशन सिस्टम को शुरू किया, जिसमें अंग्रेजी भाषा को सबसे जरूरी बना दिया गया था। शिक्षक को एक डिक्टेटर की तरह सभी तरह के अधिकार मिल गए थे। बच्चों को नियम कायदों में रहने की हिदायत दे दी गई और बच्चे किसी दूसरे की सहायता न करें इसके लिए एग्जाम्स का सिस्टम भी शुरू कर दिया गया, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला एक ही स्टूडेंट सबसे बेहतरीन और अच्छा हो सकता था। यह सब बातें आगे चलकर फैक्ट्री और ऑफिस में अंग्रेजों के नीचे काम करने वाले लोगों में भी पहुंच गई थी। सब अपने अपने काम में व्यस्त, कोई सवाल जवाब नहीं, किसी के पास भी अब अपनी क्रिएटिविटी या योग्यता दिखाने का मौका नहीं था। बस जो जैसा बताया गया है और जिस तरह लिखा गया है, भारत में अब वही लोगों के लिए एकमात्र सच बन गया था। मैकाले अपने काम में सफल हो गए और भारत को हमेशा के लिए एक ऐसा सिस्टम सौंप गए जहाँ पर लीडरशिप और क्रिएटिविटी के लिए कोई जगह बच्चों के लिए नहीं थी। और एक ऐसा देश जिसकी संस्कृति में भगवान से प्रश्न करना भी गलत नहीं माना जाता था, अब वहाँ पर सवाल पूछने वाले बच्चे मूर्ख और बदतमीज बना दिए गए थे और रोबोट्स की तरह काम करने वाले लोगों को जीनियस समझा जाने लगा था। यहाँ से कहानी शुरू हुई जो समय के साथ साथ भारत के लिए एक बीमारी बन गई है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इस बीमारी ने आज भारत को किस कदर अंदर ही अंदर खोखला बना दिया है और वो कौन लोग हैं जिस बीमारी की जड़ को अब भी खत्म नहीं होने दे रहे हैं।
भारत में लगभग हर बच्चे को 5 साल की उम्र में स्कूल भेजना शुरू कर दिया जाता है और शुरू से ही उनको यह सिखा दिया जाता है कि ए यानी एप्पल ही होता है। उसको यह भी समझाया जाता है कि कौन सी घंटी का मतलब क्या है, कौन से सवाल का जवाब क्या होता है, किस तरह एक लाइन में एक ड्रेस में उसे खड़े होना है और उसे कौन से समय पर कितने टाइम के लिए उसे क्या करना है। लगभग 6ठी कक्षा तक कोई स्टूडेंट एक रोबोट की तरह वो सब कुछ करना सीख जाता है जो उसे बताया गया था। यहाँ से उसके मन में यह डाला जाता है कि मार्क्स और एग्जाम कितने जरूरी होते हैं। खेलना कूदना, पेंटिंग बनाना, सवाल पूछना, यह सब कुछ एक 6th क्लास के बच्चे के लिए एकदम से बंद करवा दिया जाता है। उसे दिन रात रट्टा मारने की ट्रेनिंग मिलनी यहीं से शुरू हो जाती है और उसे यह भी समझा दिया जाता है कि जो किताबों में लिखा हुआ है सिर्फ उतना ही सच है। यह वो समय होता है जब बच्चों की सवाल जवाब करने की आदत, तर्क देने की कोशिश, कुछ नया करने की एबिलिटी को लगभग खत्म कर दिया जाता है और फिर 10th क्लास का टेंशन शुरू हो जाता है, जहाँ से सोशल इंजीनियरिंग यानी बच्चों को एक जगह फिक्स करने की कवायद शुरू हो जाती है। घर पर पेरेंट्स बोलते हैं कि यहाँ अच्छे मार्क्स ले आओ और फिर जिंदगी भर मजे हैं। स्कूल में टीचर्स बोलते हैं कि अगर यहाँ फेल हो गए तो फिर जिंदगी में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। शर्मा जी का लड़का, घर के पड़ोसी, चाचा, मामा, फूफा, जिनका नाम भी वो बच्चा नहीं जानता है, सभी लोग उसको ये हिदायत देने लगते हैं कि अगर 90% नहीं आए तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, अपने दोस्तों से नीचे रह जाओगे, कोई काम धंधा तुम्हें नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ बच्चा अपनी पूरी कोशिश करता है और ज्यादातर स्टूडेंट्स अच्छा रिजल्ट ले भी आते हैं, लेकिन फिर उनके लिए एक और टारगेट फिक्स किया जाता है। अगर अच्छे मार्क्स हैं तो साइंस और अगर नहीं है तो फिर आर्ट्स, और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स साइंस वालों से बेहतर नहीं हो सकते हैं। बच्चे ने अगर साइंस नहीं लिया है तो कुछ नहीं कर पाएगा, आर्ट्स बेकार होती है और बच्चा एक बार फिर चारों तरफ के शोर में खुद को भूलकर एक भीड़ चाल का हिस्सा बन जाता है। 12th पास होने तक बच्चे का मोराल खत्म हो जाता है, उसकी इच्छाएं, पसंद नापसंद सब कुछ एक तरफ हो जाता है और अब उसके सामने सिर्फ 1 वे रोड होती है, साइंस है तो डॉक्टर या इंजीनियर और अगर आर्ट्स है तो बीए और फिर गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी। बस ना कुछ आगे ना कुछ पीछे, ना इधर ना उधर। भारत में एक बच्चे का पूरा करियर, पूरी जिंदगी सिर्फ 20 सालों के इस घमासान में तय हो जाती है जहां उसकी अपनी कोई चॉइस नहीं थी। भारत में किसी स्टूडेंट के लिए चौतरफा सिस्टम किस तरह काम करता है और कैसे सब कुछ तय करता है ये तो हमने देख ही लिया है, और अगर अब यह समझने की कोशिश करें कितने लंबे समय में और लगभग 25 लाख रुपए लगाने के बाद घर से स्कूल, स्कूल से ट्यूशन और ट्यूशन से फिर होमवर्क और बाकी चीजें करने के बाद किसी बच्चे को क्या कुछ समझने सीखने को मिलता है, तो आप खुद से पूछिए कि क्या आपको कुछ भी ऐसा सीखने को मिला था जो आज आपके लिए जरूरी है? नहीं था। हाँ, मुगलों महाराजाओं के युद्ध, तारीखें, अंग्रेजों के नाम, a² b² और साइन थीटा जो हम 12 सालों तक रटते रहे, आज हमारी जिंदगी में इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। हमारे विषयों में इतिहास, विज्ञान, आर्ट्स और कंप्यूटर सब कुछ होता है, लेकिन हमें कभी भी कोडिंग, आर्कियोलॉजी, ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में नहीं बताया जाता है, और मार्केटिंग, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल मीडिया और AI का तो हमें पता भी नहीं होता है। यानी कि घूम फिर कर एक बच्चे को उन्हीं 4 करियर ऑप्शन पर आना पड़ता है, क्योंकि उसे बाकी चीजों का एक्सपोजर, दुनिया की समझ, मोरल सपोर्ट और करियर काउंसलिंग मिलती ही नहीं है। 75% अटेंडेंस, 90% मार्क्स, रट्टा मारने लायक दिमाग, कुछ भी ऊटपटांग चीजों से काले किए गए पन्ने, भरी हुई फाइलें और दीवारों पर खुद की तस्वीरें देखने का सपना, यही सब कुछ होता है जिसके इर्द गिर्द भारत में एक आम स्टूडेंट्स की जिंदगी के 22 साल खत्म हो जाते हैं। और अगर इनमें से कोई भी चीज पूरी नहीं होती है तो फिर उसे फेलियर बोलकर जलील किया जाता है, समाज, रिश्तेदारों की दुहाई दी जाती है, भविष्य का डर दिखाया जाता है, लोन का आंकड़ा बताया जाता है और रैगिंग, मारपीट जैसी बातें तो चलती ही रहती हैं। भारत आज के समय में डिप्रेशन, एंजाइटी और तनाव के कारण सुसाइड करने वाले स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा हब बन गया है और इनमें से अधिकतर स्टूडेंट्स के आखिरी नोट पर माँ बाप का लोन, UPSC, IIT और रैगिंग जैसे नाम सबसे ज्यादा मिलते हैं, और डर भी छुपा होता है जो बार बार शिक्षक और आसपास के लोग बच्चों के मन में भरते रहते हैं। तो क्या सच में भारत की खराब होती शिक्षा व्यवस्था के पीछे इतने ही लोगों का हाथ होता है या कोई और है जो पर्दे के पीछे से यह सब कुछ कंट्रोल करता है? भारत में लगभग 80% स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करते हैं वो किसी भी तरह के जॉब के लिए काबिल नहीं होते हैं। भारत में हर घंटे 5 से 8 स्टूडेंट्स सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, 40% स्टूडेंट्स रैगिंग फेस करते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए स्कूल या कॉलेज जाते हैं। तो इन सब बातों के पीछे कौन जिम्मेदार है? इसके जवाब अलग अलग लोगों के पास अलग अलग है। हम शुरू से शुरू करते हैं और सभी कारणों के बारे में आपको बताते हैं। पहला कारण जो लोग मानते हैं वो स्कूल है। सरकारी स्कूलों की बात करें तो भारत में इन स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा खराब है और टीचर्स की इतनी ज्यादा कमी है कि कोई इन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए राजी ही नहीं होता है। आपने बहुत से वीडियोस में देखा होगा कि कुछ सरकारी टीचर्स को 2 की टेबल, गिनती और प्लस माइनस जैसी आम चीजें भी नहीं आती हैं। नरेंद्र मोदी क्या है? राष्ट्रपति। क्या स्पेलिंग है? राष्ट्रगान किसने लिखा हुआ है? राष्ट्रगान जनगण मन नायक वाला, वो थे कानपुर के
पार्षद जी भारत देश की राजधानी कौन सी लखनऊ। इसके अलावा आसाम में ऐसी घटना भी सामने आई थी जहां दसवीं में पढ़ाई करने वाले सभी स्टूडेंट्स फेल हो गए थे। 2020 के सर्वे के मुताबिक भारत में 17% टीचर्स की वैकेंसी खाली बताई गई थी। बाकी टॉयलेट्स की हालात, मिड डे मील्स और कमरों की सिचुएशन भी आपने अपने आसपास देखी ही होगी। इन सब बातों से तंग आकर कोई माँ बाप अगर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेज दे तो वहाँ हालात और भी खराब है। एनुअल फंक्शन, ड्रेस, बैग और किताबों के नाम पर पैसे मांगने वाली बात हो या फिर हर साल फीस बढ़ाने का मामला, बच्चों के साथ बदसलूकी करने या पीटने की कहानियां या टीचर्स की कम सैलरी के अलावा करप्शन जैसी बातें भी आज प्राइवेट स्कूलों में हर दिन सुनने को मिल जाती है। भारत में आज हर दूसरे प्राइवेट स्कूलों के मालिक राजनेता या फिर कोई प्रभावी बिजनेसमैन होता है। यहाँ पर इन्हें टैक्स वगैरह में भी छूट मिलती है, साथ ही दान अनुदान के जरिए भी इन स्कूलों को पैसे मिल जाते हैं, मगर फिर भी टीचर्स की सैलरी 5,000 से 10,000 ही होती है। कुछ जगहों पर इनसे भी कम पैसों में टीचर्स को काम करना पड़ता है। भारत सरकार द्वारा समय समय पर बहुत सी गाइडलाइंस जारी होती है, मगर बहुत ही कम ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन कोई स्कूल करता है। बात करें टीचर्स की तो गुरु परंपरा वाले इस देश में टीचर्स डिक्टेटर बनते जा रहे हैं जिन पर किसी का कोई प्रभाव नहीं है। स्कूल से लेकर कॉलेज और आगे भी बच्चों का मोरल खत्म करना, उन्हें जलील करना, फेलियर बोलकर डांटना और कुछ जगहों पर मारपीट जैसी बातें भारत में टीचर्स के कारण आम हो गई हैं। सरकारी स्कूलों में यह नहीं होता है तो वहाँ टीचर्स को पोलियो टीकाकरण, जनगणना और चुनाव अभियान से ही समय नहीं मिलता, और अगर मिल भी जाता है तो भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें शिक्षकों को सिखाया जाए कि उन्हें बच्चों को किस तरह पढ़ाना चाहिए, किस तरह कौन सी एक्टिविटी करानी चाहिए और कैसे वो बच्चों में इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। भारत में टीचिंग शायद एकमात्र ऐसा काम है जो आप बिना किसी ट्रेनिंग और अनुभव के बगैर भी आराम से जिंदगी भर कर सकते हैं। भारत में औसतन टीचर को 25,000 से 30,000 रुपए ही मिलते हैं, जो अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ही कम है। ऐसे में कोई माँ बाप अपने बच्चे को शायद ही टीचर बनने के लिए बोलता है। अगला कारण जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को खराब बनाता है वो सिलेबस भी है, जहाँ में से कोई भी रियल लाइफ स्किल, पैसे कमाने के तरीके, किसी बिजनेसमैन की कहानी, कोई कंप्यूटर रिलेटेड शिक्षा नहीं मिलती है। सब्जेक्ट कहने को तो सभी तरह के होते हैं, लेकिन आप ही मुझे बताइए कि आप में से कितने लोगों को कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड स्कूल में कुछ पढ़ाया गया है। भारत में सिलेबस के नाम पर सिर्फ एक पैरामीटर तय कर दिया जाता है जिसमें लिखी बातों के अलावा कुछ भी सोचना, लिखना या बोलना गलत है, और अगर आप उस ढांचे को याद कर लेते हैं तो आप सबसे ब्राइट और अच्छे स्टूडेंट हैं। फिर आते हैं पेरेंट्स, जिनका ना जाने कितने पहले साल कोई अपना सपना पूरा नहीं हुआ था और अब वो ये मन बना लेते हैं कि उनकी औलाद उनका वो सपना पूरा करेगी। उनके जमाने में अगर डॉक्टर बनना बड़ी बात मानी जाती थी या उनके दोस्त का लड़का डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है तो उनका बेटा भी डॉक्टर ही बनेगा, बेटी नर्स बन जाएगी। खेल, खिलाड़ी, म्यूजिक, सिंगिंग, डिजाइनिंग और पेंटिंग जैसे काम तो हॉबी होते हैं, उनसे पैसे कौन कमाता है, और अगर कोई कमाता भी है तो डॉक्टर इंजीनियर जितने तो कमाता नहीं होगा। या कर ज्यादातर बच्चे हार मान लेते हैं और अगर कोई लड़ाई कंटिन्यू करना चाहे तो उसे यह बोलकर तोड़ दिया जाता है कि तुम्हें जो करना है करो, फिर हमसे कुछ मत बोलना। कौन सी स्कूल, कौन सा स्ट्रीम, कौन से दोस्त, कौन सा ट्यूशन, कैसा इंस्टीट्यूट और आखिर में कौन सा करियर, ये सब कुछ तय करने वाले पेरेंट्स आखिर में यह बोल देते हैं कि तुमने पढ़ाई नहीं करी होगी, नहीं तो बाकी जो लोग तुम्हारे साथ पढ़ते हैं उनके तो रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। अब पेरेंट्स को यह कौन समझाए कि हर बच्चा अलग होता है और सबको एक तरीके से सब कुछ समझ में आ जाए, ये मुमकिन नहीं है, मगर पेरेंट्स तो यह बोल देते हैं और सारी बात आखिर में आ जाती है बच्चे पर, जो खुद की काबिलियत पर शक करने लगता है। टीचर पेरेंट्स का गला पकड़ते हैं और पेरेंट्स अपनी आप बीती बच्चों को सुना देते हैं, और इन्हीं दोनों के बीच में एक बच्चा जिसे अपने मन मुताबिक कुछ भी करने नहीं दिया जाता वो पूरी तरह से टूट जाता है। बाकी UPSC, IIT और IIM के नाम पर धांधली करने वाले इंस्टीट्यूट भी सपने बेचकर, भविष्य का डर दिखाकर जिस तरह से बिजनेस खड़ा कर रहे हैं और आखिर में दोष बच्चों पर मढ़ देते हैं, वो भी एक कारण है कि आजकल स्टूडेंट्स का भरोसा शिक्षा व्यवस्था से खत्म होता जा रहा है। हर गली नुक्कड़ पर लगे पोस्टर्स, हर बिल्डिंग में खड़ा इंस्टीट्यूट या ऑफिस और हर दूसरा यूट्यूबर जो आजकल बच्चों के डर और हालात का फायदा उठाकर कुछ न कुछ बेचने की कोशिश करता है, वो सभी लोग भी इंडियन एजुकेशन के फेल होने का कारण है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इन सभी बातों की शुरुआत अंग्रेजों से हुई थी, तो सबसे बड़े कारण मैकाले हैं। बात सही भी है, मैकाले ने आज की बदतर होती भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा किरदार निभाया है। उन्होंने भारतीय लोगों को एक स्लेव बनाने के लिए जो सिस्टम बनाया था वो आज तक चल रहा है। पर यहाँ पर एक पेच है कि आज से 150 साल पहले बना नियम आज तक क्यों चल रहा है। एक ऐसे देश में जहाँ पिछले 75 सालों में सब कुछ बदल गया है, वहाँ ये सिस्टम चेंज क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब है कि मैकाले भी पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों से तो हमें बहुत कुछ ऐसा मिला था जो हमने आजादी के बाद छोड़ दिया था, तो फिर ये क्यों नहीं छोड़ पाए। ऐसा क्यों हुआ कि भारत को अपनी नई शिक्षा नीति लाने में 50 से ज्यादा साल लग गए और इसे इम्प्लीमेंट करने में और 10 साल लग जाएंगे। इसके जवाब में हमें एक और कारण मिलता है और वो है हमारी गवर्नमेंट, जो हमेशा ही शिक्षा व्यवस्था को नजरअंदाज करती आई है, और यही कारण कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था आज फिनलैंड जैसे देशों से हजारों कोस पीछे है। आज राजनेताओं के बेटे विदेशों में पढ़ते हैं, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के पास हमारे सबसे काबिल इंजीनियर हैं, क्योंकि भारत में उनके लिए कोई
अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। आज भारत में शिक्षकों की तंगी है, सरकारी स्कूलों में टीचर्स की बेचारगी, बेरोजगारी, सिलेबस और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो आपको पता ही है। आज जब दुनिया एआई की बात कर रही है, भारत में लोगों को कंप्यूटर ऑपरेट करना, बैंक खाता बनाना, कोडिंग करना और बाकी बहुत सी बातें भी नहीं पता है, जिसका कारण ये है कि हमें ये सब कुछ कभी पढ़ाया ही नहीं गया है, क्योंकि हम सिलेबस वही पढ़ रहे हैं जो हमारे दादाजी पढ़ते थे। इस तरह भारत में एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी रियलिटी यही है, इस देश में ना तो एजुकेशन है और ना ही सिस्टम, जिसके पीछे सभी लोगों की अपनी अपनी भूमिका है। और इन सभी बातों को चलिए अब नंबर्स में समझने की कोशिश करते हैं। भारत में लगभग 60 स्टूडेंट्स पर औसतन एक शिक्षक काम करता है। भारत सरकार अपनी जीडीपी का सिर्फ 2.75 से 3.75 हिस्सा ही शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करती है। हालांकि सालों से वादे 6% के हो रहे हैं, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। साल 2020 में एक नई शिक्षा नीति लाई गई थी, जिसमें सिलेबस और इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने पर कोई बात नहीं की गई थी, और इस शिक्षा नीति को 2040 तक लागू किया जा सकता है। बात करें दूसरे देशों की, तो अमेरिका अपनी जीडीपी का लगभग 16% शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करता है। फिनलैंड में दुनिया को सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था वाला देश माना जाता है। भारत में हर साल बहुत से देशों की आबादी से भी ज्यादा इंजीनियर पास आउट होते हैं, लेकिन 80% के पास किसी तरह का स्किल और काम करने की काबिलियत नहीं होती है। भारत में एक सर्वे के मुताबिक 74% पेरेंट्स ने माना है कि अपने बच्चे को फिजिकली पनिश करते हैं, और लगभग 17% पेरेंट्स यह तरीका बच्चों को हैंडल करने के लिए सबसे अच्छा मानते हैं। 40% स्टूडेंट्स रैगिंग का शिकार होते हैं, जिनमें से 8% शिकायतें ही दर्ज हो पाती हैं। इसके अलावा भारत में हजारों ऐसे बच्चे हैं जो परेशान होकर या किसी चीज से तंग आकर स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। भारत में जहां हर लेक्चरर को 30,000 से 35,000 रुपए की सैलरी मिलती है, वहीं हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड में यहां 16 से 16.5 लाख रुपए है। भारत में एक स्टूडेंट की स्कूली शिक्षा पर बच्चे का खर्च 15 से 25 लाख रुपए तक हो जाता है। और अगर वो किसी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करने बाहर जाता है, ट्यूशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है, तो सिर्फ कुछ ही महीनों की प्रिपरेशन का खर्चा 12 सालों की पढ़ाई से भी ज्यादा हो जाता है। ASER की 2022 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कुल सरकारी स्कूलों की संख्या 2028 है, और यहाँ पर नामांकित स्टूडेंट्स की उपस्थिति प्राथमिक विद्यालयों में 57.1% और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 54% है। इन रिपोर्ट में स्टूडेंट्स की साक्षरता से लेकर सुविधाओं की मौजूदगी से लेकर बहुत सी बातों को शामिल किया गया है। हम आपको इस रिपोर्ट का PDF कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर के आप इसको इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। बिहार भारत में शिक्षा व्यवस्था और सुविधाओं के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। साथ ही केरल की साक्षरता और शिक्षा व्यवस्था भारत में सबसे मजबूत है। भारत आज ई लर्निंग के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। यानी कि भारत में स्टूडेंट्स के लिए किसी भी तरह की शिक्षा हासिल करना, कुछ भी सीखना, अपने स्किल पर काम करना बहुत ज्यादा आसान है। इसलिए स्टूडेंट्स को चाहिए कि सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर खुद को अपडेट करने के लायक कंटेंट देखें। बहुत सी वेब सीरीज, पॉडकास्ट, यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जो आपको कुछ ही घंटों में किसी भी क्षेत्र की नॉलेज दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पेरेंट्स को भी जनरेशन गैप की समस्या और सोशल स्टेटस बनाने के लिए बच्चों को कहीं भी धकेलने की अपनी बीमारी को दूर करके बच्चों का साथ देना चाहिए। साथ ही स्कूल और टीचर्स के साथ साथ इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट को भी अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। हम मैकाले की कोशिश को तो अंडू नहीं कर सकते हैं, इसलिए ब्लेम गेम खेलने से बेहतर है कि हम भविष्य को लेकर काम करें, क्योंकि आज अगर भारत किसी क्षेत्र में फेल होता है तो कारण भी भारत ही होगा, क्योंकि भारत आज आजाद है और उसके पास बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहां से सीखकर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। आप हमारी बातों से कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अगर 1% भी आपके दिल को छुई है तो प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिएगा। हम इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।